ब्यूटीफुल आज काम आप करने जा रही हैं, थोड़ा सा अगर आप बताएं कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम सबकी चल रही है लॉकडाउन के बाद, बहुत सारे लोग भूखे हैं जिन्हें राशन नहीं मिल रहा है, आज आप उन्हें अवेलेबल कराने वाले हैं, तो अगर आप कुछ बता सकें। देखिए इंडिया में अभी जो इश्यू चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, सभी लोग अपना अपना हिस्सा दे रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी छोटी जो भी कर सकते हैं सब कर रहे हैं। मैं अपना बिट कर रही हूँ और मैं दरख्वास्त करूँगी प्लीज़ सभी लोगों से, अगर आपसे जो कुछ भी बनता है, कुछ भी, मतलब राशन नहीं, छोटा बहुत कुछ भी, प्लीज़ अगर आप लोग दे दें, बिकॉज़ हम तो अपने घर पे एसी में बैठे रहते हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, जो 8 घंटे जॉब वाले लोग हैं, ट्रेन्स बंद होती हैं, चालू होती हैं, लोगों को मेडिकल यू नो दे नीड द वेस्टिंग कार्ड एंड स्टफ, तो उन लोग बहुत बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। स्पेशली जो जॉब्स जिनकी कंपनीज बंद हैं उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। देखिए मैं अभी हमारी इंडस्ट्री के जो स्पॉट बॉयज हैं, जो लाइट मैन हैं, क्योंकि शूटिंग बंद है, तो उन बेचारों का मतलब एवरी डे टू डे का उनका यू नो दे अर्न लाइक दैट ऑन अ पर डे बेसिस। तो मैंने मुझसे जो बन सका है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ, बस वही कर रही हूँ मैं। और मैं आप लोगों को भी बोलूँगी प्लीज़ अगर आप लोग भी कुछ कर सके लोगों के लिए, क्योंकि तकलीफ बहुत ख़राब है। अनफॉर्चुनेटली ऑन अ डेली बेसिस जो मैं न्यूज़ में पढ़ रही हूँ ना माई फ्रेंड, things can go bad. Yeah. पूनम जी, जैसे कि सेकंड वेव जो रहा, काफी गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया, आपको क्या लगता है इस पर? I am no one to judge government on this, my friend. This situation was uncalled for. हमने कभी बचपन में सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, right? लाइफ में गवर्नमेंट ने भी नहीं सोचा था, एंड आई थिंक व्हाटएवर दे आर डूइंग देयर बेस्ट। Nobody knows how to handle this situation to begin with. आप गवर्नमेंट को क्या बोलो, डॉक्टर्स कन्फ्यूज हैं, सब कन्फ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है। सो आई थिंक जैसा भी हो रहा है हम चल रहे हैं, हम खींच रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं इस उम्मीद पे कि ये दौर निकल जाए। लॉकडाउन मेरा यार, जितनी आपकी बैंड बजी पड़ी है मेरी भी उतनी बैंड बजी पड़ी है बहुत ज़्यादा एक्चुअली, बट यूनिवर्स इज काइंड। बंगला है, 4 माला है, तो ऊपर कभी दूसरे माले पे है, कभी चौथे माले पे शूट कर लेती हूँ, लेकिन बैंड तो बजी है शूटिंग लग रहा है मैं मेरा मास्क नहीं दूंगी, सोचना नहीं सोचना भी नहीं, मुझे पता नज़र कहाँ जा रही है। हाँ, एंड बाय द वे मैं अभी मैं खुद, मुझे कोविड हुआ था, जस्ट बिकम नेगेटिव, डरिए मत, मुझसे दूर मत भागिए, आई एम कम्प्लीटली परफेक्टली फाइन नाउ। शूटिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है धीरे धीरे, मुंबई में भी अब शूटिंग स्टार्ट हो, तो क्या कुछ हमें अब कोविड के बाद क्या कुछ पाइपलाइन में ऐसे, प्लीज व्हाई डोंट यू कम एंड जॉइन मी, ये देखिए दैट्स माय हस्बैंड अभी, एंड ही इज अ वेरी बिग डायरेक्टर। आप है ना, एक काम कीजिए, आप इनसे दरख्वास्त कीजिए कि मुझे कुछ काम दे दे प्लीज सर। सर they're my friends, ऑडिशन नहीं दे रही है, yeah, they're my friends, they know me since I was 2 year old. तो क्या कुछ पाइपलाइन में देखने को मिलने वाला है यू एंड? अभी हम लोग फिलहाल एक म्यूज़िक वीडियो शूट कर रहे हैं, कि हमारे पास भगवान ने एक अच्छा सा बड़ा सा बंगला दिया है, तो उसी में हम लोग शूट कर रहे हैं, और क्रू में सिर्फ हम दोनों हैं। ये अपना हेयर मेकअप सब खुद से करती है, खुद से कर लेती हूँ मैं, मेरा खुद का लाइट मैन हूँ, तो काम हो जाता है। आई गॉट टू टेल यू समथिंग एल्स हियर, राशन तो आज हम बांट रहे हैं, इसके अलावा मैं वैक्सीनेशन ड्राइव भी कर रही हूँ,
करीबन 100 लोगों का इंशाल्लाह। और अगर तक लगाया नहीं, तूने वैक्सीनेशन नहीं ली? नहीं लगाया, हमने कॉल में ये अच्छा वाला कॉल में था, कल जाके ले। तो वो मैं कर रही हूँ, होपफुली वो भी सक्सेसफुल जाएगा, क्योंकि लोग डर भी रहे हैं वैक्सीनेशन लेने से। एंड मैंने भी, मेरी मॉम का सबका करवाया वैक्सीनेशन, हस्बैंड ने, सब ने लिया है। तो आई एम जस्ट या जी बस हो जाए। एक आखिरी सवाल, अब लोग कहते हैं कि देखते हैं बिग बॉस में जाने का कोई इरादा है? तुझे राशन नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। थैंक यू जी, इसके बाद एक इंटरव्यू कर लेंगे। राशन आ गया, राशन कर लेंगे। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक सवाल बाकी है। हाय, हाउ आर यू? जैसे आपने कहा कि यू इंट्रोड्यूस योर हस्बैंड, और उन्होंने कहा कि हम मिलके ही शूट कर रहे हैं, हम ही क्रू हैं, क्या शूट कर रहे हैं? इज समथिंग सीरियस और इट वाज ऑन अ लाइटर नोट? जैसे आपने कहा कि आप ही दो लोग हैं क्रू, सब कुछ आप हैं, ट्रैक करने वाले भी आप हैं, करेक्ट, प्रोड्यूस करने, शूट करने वाले भी आप हैं, करेक्ट। किस तरह का एल्बम होने वाला है वो? ये एक कंपोजर सिंगर मेरा दोस्त है जो फिलहाल लंदन में है, तो उसने हमें दो गाने भेजे, उसमें से एक हमें बहुत अच्छा लगा, एक्चुअली दोनों अच्छे लगे। yeah. दूसरा भी करने वाले, लेकिन उसके लिए काफ़ी से डांसर्स लगेंगे, प्रोडक्शन बड़ा होगा उसमें। दूसरा वाला थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट है, तो हमें लगा कि हम दोनों मिलके वो हम शूट कर सकते हैं। और अभी तक कितना 70% हो गया है? 70% रोज हम लोग शूट कर रहे हैं। कल मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने मुझसे इतने टेक्स करवाए हैं। कल मैं मेरे फिश टैंक के अंदर पिछले मैं 4 घंटे तक ही मैं कांप रही थी। मेरी बहुत बड़ा फिश टैंक है, छोटा सा फिश टैंक नहीं है, तो ऐसा ऐसा मत सोचो कि छोटे से फिश टैंक में डाला था। यार बड़ी बड़ी शार्क्स के साथ कौन डालता है, मतलब बड़ी बड़ी शार्क्स नहीं है इतनी बड़ी को, तो ये बड़ी नहीं है? नहीं बड़ी नहीं है। He is possibly, not joking. अगर ये मेरे हस्बैंड नहीं भी होते तो भी, he is possibly the best guy that I have ever shot with. He's made me look 10 times prettier. मैं बड़ी गंदी दिखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा दिखाते हैं। I'm very happy. That's not true. She's a great artist. She gets it right every time. Yes, I do. She has to suffer a little bit. I do a lot of takes till I get the perfect take. But she's very hardworking. 3 bar is a fish tank mein dalna, 3 days consecutively, and the water is freezing cold. Yeah. She is shaking, and but she will stay there till I get the shot. When I tell her I'm happy, she's like, I can see it on your face that you're not perfectly happy. So let's keep doing it until you're happy. So she pushes me to become a better director also. So and half I the also, credit goes to her. Thank you. I also would like to say something. Akhil Bhartiya, Marathi Chitramandal, ya lokani mala ite bolale ahe ani mi te ration te mi ata. आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये लोकांना देते, तर मी या लोकांची खूपच आभारी आहे। थँक्यू सो मच फॉर इन्व्हायटिंग मी अँड लेट मी डू माय स्मॉल वर्क दॅट आय एम डूइंग। आता मला वॅक्सिनेशन ड्राईव्ह पण करायचं आहे, खूप करायचं आहे, तर थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हिअर। अँड चला आपण आपलं काम करूया। मैम लुक जी।
चला चला